अधिकारी पर बेहुदा हरकतें करने का आरोप लगाने वाली सुलपुर जवोट पंचायत के प्रधान रिंकू चंदेल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। रिंकू चंदेल ने फिर से एसपी गुरुदेव शर्मा से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा, मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग उठाई। इस दौरान उनके साथ जिला महिला कांग्रेस के प्रधान सुमन चौधरी और सुंदरनगर जिला की प्रधान माला मेहता भी मौजूद रही। आपको बता दें कि रिंकू चंदेल ने सरकाघाट उपमंडल के एक अधिकारी पर बेहुदा हरकतें करने का आरोप बीते 20 दिन पहले लगाया था। इस संदर्भ में डीसी और एसपी को भी शिकायत सौंपी थी। रिंकू चंदेल का आरोप था कि उक्त अधिकारी ने अपने कार्यालय में उसका हाथ पकड़ा और उसे काम करवाने के लिए अपने क्वार्टर में आने को कहा। वहीं रिंकू का अब ये आरोप है कि पुलिस मामले की सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। जो जांच अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया गया है वे आरोपों की गंभीरता को न देखते हुए उल जुलूल सवाल पूछकर जांच को उलझा रहे हैं। रिंकू चंदेल ने आशंका जताई है कि मामले में राजनीति की जा रही है, इसी कारण इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग उठाई है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए। वहीं उन्होंने चेताया कि अगर जल्द ही मामले की सही ढंग से जांच नहीं की गई तब फिर ये जिला मुख्यालय पर अनशन पर बैठ जाएंगी। वहीं एसपी गुरुदेव शर्मा ने शिकायतकर्ता रिंकू चंदेल को भरोसा दिलाया कि मामले की सही ढंग से जांच की जा रही है और इसकी प्रक्रिया जारी है। दस वर्षीय बच्ची ने बात करने से मना क्या किया तो नशे में धुत फौजी ने छुरी से उसका गला ही काट दिया। घटना बल उपमंडल के तहत आने वाले बटाहण गांव की है। बताया जा रहा है कि आरोपी फौजी इन दिनों छुट्टी लेकर घर आया हुआ है। इसका अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है, पत्नी अलग रह रही है। बीती शाम करीब 7 बजे आरोपी फौजी नशे में धुत होकर अपनी साली के घर पहुंचा। साली की 10 वर्षीय बेटी से अपनी पत्नी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बच्ची ने ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि उसे इस बारे में कोई भी बात करने से घर वालों ने मना किया है। इसी बात को लेकर फौजी आग बबूला हो उठा और छुरी से मासूम का गला रेत डाला। परिजनों ने तुरंत प्रभाव से घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज नीरचौक पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची का तुरंत ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। अभी बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसपी गुरुदेव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी फौजी ओम प्रकाश के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार आरोपी ने कहीं फेंक दिया है और उसकी तलाश की जा रही है। कंडवाल पंचायत के गांव चंद्राहन व बरंडा के लोगों ने अवैध खनन को लेकर तहसीलदार नूरपुर को ज्ञापन सौंपा है। कंडवाल के पंचायत प्रधान के खिलाफ अवैध खनन के आरोप लगाए गए हैं। गांव के लोगों का प्रशासन के प्रति काफी गहरा रोष है। लोगों का आरोप है कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। ह्यूमन राइट मंच के जिला अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि लगभग 8 महीने पहले प्रधान के खिलाफ कुछ मामलों को लेकर एसडीएम नूरपुर और डीएसपी नूरपुर को शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पठानिया ने आरोप लगाया है कि एक प्रधान ने पूरा प्रशासन पंगु बनाया हुआ है। नूरपुर प्रशासन फिसड्डी कर रखा है। प्रशासन कौन सी भाषा समझता है वो हमें बताए। नूरपुर तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बताया कि कंडवाल के लोग ज्ञापन लेकर आए थे पंचायत प्रधान के खिलाफ। जो ज्ञापन मिला है जिस भी विभाग से संबंधित है उन्हें भेज दिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। आज कंडवाल पंचायत के स्थानीय वासी जो हैं एक डेलीगेशन के साथ आए हुए थे, जिन्होंने वहाँ के लोकल पंचायत प्रधान अरविंद गुलेरिया है उनके खिलाफ शिकायत की है कि वो लंबे समय से अवैध खनन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरा मामला उन्होंने लिखा है कि वो आज आज़ादी से 72 साल बाद भी
सड़क से वंचित हैं और जो भी ज्ञापन उन्होंने हमें दिया है वो जो भी विभाग से संबंधित है उनको भेजा जाएगा और मामले की उचित कार्रवाई और उचित रिपोर्ट संबंधित विभाग से भेजा जाएगा। सोलन में ब्रूरी के समीप खाई में गिरी पिकअप, पिकअप में चालक समेत 3 लोग सवार थे। सुख बात यह है कि तीनों ही सुरक्षित हैं। ये वाहन शिमला की तरफ से आ रहा था और अचानक ब्रूरी के समीप पिकअप का चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पिकअप खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी देते हुए यातायात पुलिस प्रभारी राकेश कुलेरिया ने बताया कि एक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। उन्होंने बताया कि पिकअप चालक सेब लेकर सोलन की ओर आ रहा था, लेकिन ब्रूरी के समीप आंख लगने के कारण वे वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पिकअप खाई में गिर पड़ी। पिकअप में 3 लोग सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। सभी का मेडिकल करवा दिया गया है जो बिल्कुल सकुशल है। उन्होंने बताया कि पिकअप हरियाणा की बताई जा रही है।